नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नंदिनी। मेरे चैनल गेट से डेकोरेट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, छोटे छोटे काम के लिए अगर हमें टिप्स और ट्रिक्स जो है पता होता है ना, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो वही टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मैं आई हूँ। आज का जो ये वीडियो है टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर है, तो फिर चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, ये है सेलो टेप। ये मोटा वाला हो या छोटा वाला, पतला वाला, जैसा भी सेलो टेप है, क्या होता है ना, जब हम उसको खोलने के लिए निकालते हैं तो ये चिपक जाता है, पता भी नहीं चलता है कि ये कहाँ पे चिपक गया है। तो और हमारे लिए ना सर दर्द बन जाता है, कोई भी हो। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैं फोल्ड करके, इस तरह से फोल्ड करके ना मैं इस तरह से रख देती हूँ। ऐसा भी आप रख सकते हैं, जो कि आप आराम से इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। नहीं तो और एक काम हम कर सकते हैं, ये देखिए मेरे पास कितना सारा स्ट्रॉ है, ये जो हम लोग नारियल पानी पीते हैं, या तो इस तरह के प्लास्टिक वाले स्ट्रॉ तो बहुत ज्यादा घर में होते ही होते हैं। तो इनको क्या करूंगी मैं, इस तरह से एक छोटा सा टुकड़ा मैं काट लूंगी यहाँ पर, इस तरह से। अगर आपके पास प्लास्टिक का स्ट्रॉ है या प्लास्टिक का कुछ भी है, तो आप इस तरह से देखिए, ये छोटा वाला पीस मैंने काट लिया है और इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस तरह से लगा दूंगी। ये देखिए, यहाँ पर लगा दिया, इसका भी, ये देखिए। नहीं तो ये ना हम ढूंढते रह जाते हैं कहाँ गया कहाँ गया, और यहाँ पर इस तरह से लगा दीजिए। ये देखिए, पता चलेगा कि हमारा सेलो टाइप का जो एंड है यहाँ पे है। आराम से इसको निकालिए, काट लीजिए इसको, जो आपको चाहिए इसको आप इस तरह से काट लीजिए। और यहाँ पर फिर से इसको यहाँ पर लगा दीजिए, और ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए ये होगा, जब जरूरत है आप इसको यहाँ से निकाल लीजिए, फिर से काट लीजिए, और फिर इसको ये जो प्लास्टिक का पाइप है, ये जो स्ट्रॉ है हमने काट के रखा था, यहाँ पर फिर से लगा दीजिए, और ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी इस तरह से देखिए, जो भी सेलो टेप है आपके पास, ये जो ट्रांसपेरेंट सेलो टेप हो गया, कुछ भी सेलो टेप, तो आप इसको अगर जरूरत है तो आप इसको काट लीजिए। इस तरह से देखिए, काट लिया, और ये पाइप को फिर से आप यहाँ पर चिपका दीजिए। देखिए कितना आसान हो गया ना। देखिए, हम लोग आदत से तो मजबूर होते हैं, तो हमें याद ही नहीं रहता, मुझे तो याद नहीं रहता है। मैं जब ये जो दूध का पैकेट है ना, इस तरह से मैं काटती हूँ, इस तरह से। तो ये जो छोटा पैकेट है, ये जो छोटा प्लास्टिक है ना, ये रिसाइकिल नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना छोटा टुकड़ा ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये पैकेट तो हो जाता है, लेकिन ये छोटा टुकड़ा, इस तरह से हजारों टुकड़े रह जाते हैं, ये रिसाइकिल नहीं हो पाता है, क्योंकि हम आदत से मजबूर है। मुझे तो आदत है इस तरह से काटने के लिए, नहीं तो अगर हमें काटना होता है, अगर काटना चाहते हैं तो इस तरह से सीधा काटना है, हमें ये टुकड़ा निकालना नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, दूध निकाल लेती हूँ। इस तरह से दूध को निकाल लीजिए, और ये जो छोटा टुकड़ा है, ये जो छोटा टुकड़ा है, इसको फिर से इस प्लास्टिक के अंदर डाल दीजिए। कोई भी प्लास्टिक का, अगर आप मिक्सर हो गया, कुछ भी आप प्लास्टिक का जो भुजिया हो गया, कुछ भी अगर आप इस तरह से काटते हैं, तो ये छोटा टुकड़े को, ये जो छोटा टुकड़ा है, छोटा टुकड़े को इस तरह से इसके अंदर डाल दीजिए, पॉलीथीन के अंदर डाल दीजिए। तो छोटा टुकड़ा भी हमारा रिसाइकिल हो जाएगा, ये तो जाएगा रिसाइकिल के लिए, उसके साथ हमारा छोटा टुकड़ा भी इसके अंदर है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ये आप लोग जरूर करना। प्लास्टर बाहर तो हम लोग बहुत अच्छे से साफ कर लेते हैं, लेकिन अंदर साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी ब्रश आप डाल सकते हैं, डाल के भी हम साफ करने से अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, अंदर अच्छे से साफ करने के लिए मैं ये राइस ले रही हूँ, चावल ले रही हूँ। ये जो चावल है, इस चावल को इसके अंदर डाल दीजिए, इसके अंदर थोड़ा सा, एक मुट्ठी भर के आप चावल इसमें डाल दीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी, और इसको बंद करके अच्छे से हिला दीजिए।
कोई भी प्लास्टिक का बोतल है आपके पास, प्लास्टिक का या कुछ भी है नीचे, अगर आप भीतर अंदर भीतर तक आप साफ नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस जो है आप अप्लाई करना और आपका बोतल अंदर से पूरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस तरह से अच्छे से सेक कर लेना है हमें, दो तीन मिनट तक अच्छे से सेक कर लेंगे तो भीतर जो भी गंदगी होगी ये हमारा चावल के साथ अच्छे से निकल आएगा, बहुत अच्छे से साफ हो जाता है ये तरीका। अब जरूर अप्लाई करना और मुझे कमेंट करना। ये देखिए पूरा साफ हो गया है। तो धो दीजिए फिर से साफ पानी अंदर जितना भी चावल है सभी को निकाल दीजिए और सुखा दीजिए और पूरा साफ हो जाएगा आपका ये फ्लास्क, पूरा साफ हो जाएगा आपका ये फ्लास्क बोतल जो भी आप साफ कर रहे हैं। सैनिटाइजर बोतल तो हर किसी के पास है, हर किसी के घर में है, तो अगर स्प्रे वाला अगर सैनिटाइजर बोतल है आपके पास खत्म हो गया है तो उसे फेंकिए मत, उसको ना अच्छे से साफ कर लीजिए पानी से, अच्छे से साफ कर लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। अच्छे से साफ करने के बाद इसमें पानी भर लीजिए और इसको बंद कर दीजिए और इससे हम बहुत काम कर सकते हैं, ये हमारा बहुत काम का है। तो इस तरह से जो स्प्रे वाले बोतल आते हैं ना उसको फेंकिए ना। मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। सैनिटाइजर बोतल को जो हमने तैयार किया है ये हमारे कपड़े प्रेस करने के लिए काम में आएगा। इस तरह से आप कपड़ों में पानी स्प्रे कर दीजिए और बहुत अच्छे से हम कपड़े को प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए अगर सूती कपड़ा है तो और बढ़िया से प्रेस होगा। ये देखिए आपका कपड़ा पूरा कड़कदार पूरा प्रेस हो जाएगा पूरा बहुत अच्छे से। देख लिया ना आपने ये कितना काम का चीज है। इससे आप और एक काम भी कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। और देखिए इससे हम प्लांट्स में भी पानी दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं पानी, पत्तों में हम अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह का भी सैनिटाइजर बोतल जो आता है इसको यूज कर सकते हैं। खत्म हो जाए तो अच्छे से धो लेना है और इसमें पानी भरकर आप स्प्रे के हिसाब से अपने कपड़ों के ऊपर प्लांट्स के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। देखिए मेरा ये जो बैग है इसका तो चेन ठीक है लेकिन ये जो है इसका जो हैंडल इस टाइप का जो आता है पकड़ने वाला जो हम लोग बंद करते हैं खोलते हैं तो हमें ये इजी हो जाता है इसके साथ, इस तरह से हम आराम से खोल सकते हैं ये कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है इसका ये टूट गया है तो मैं क्या करूंगी, अगर आपके पास जिप लॉक है तो आप लगा सकते हैं लेकिन हर किसी के पास जिप लॉक तो नहीं होता है ना, सेफ्टी पिन होता है हर किसी के पास, हर घर में सेफ्टी पिन जरूर होता है। तो ये ज़्यादा छोटा वाला नहीं, मेरे पास ये बड़ा वाला सेफ्टी पिन है तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लगा दूंगी। और देखिए इसको आप बहुत आसानी से, कितना आसानी से आप इसको खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं इस तरह से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ नहीं होगा, बहुत आसानी से आप इसको खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं। जब हम लोग रोटी पराठा पूड़ियाँ बेलते हैं तो इस तरह से किसी भी प्लेट में या कटोरे में हम लोग आटा ले लेते हैं और इस तरह से हम बेलते हैं। तो देखिए हाथ भी हमारा तो आटा आटा हो जाता है और उसके साथ ये जो बेलन है ये भी इस तरह से। लेकिन आप इस तरह से एक प्लास्टिक का बोतल ले लीजिए, मैंने यहाँ पर ना बहुत सारे छेद कर लिया है, ये देखिए बहुत सारे छेद हैं यहाँ पे और इसको इस तरह से हाथ भी हमारा आटा आटा नहीं होगा और बहुत अच्छे से हम इसको बेल भी सकते हैं। आप ऐसा बोतल भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह का चौड़ा वाला भी ले सकते हैं, बड़ा वाला ज्यादा बड़ा नहीं, इस तरह से आप ले सकते हैं।
तो ये देखिए, ये मेरा काम को बहुत आसान बना देता है और मेरा बेलन भी गंदा नहीं होता है और मेरा हाथ भी। अगर हम लोग ऐसे रखते हैं आटा, तो देखिए यहाँ पर तो होल है और यहाँ पर अंदर कीड़े मकोड़े जाने के लिए या कॉकरोच अंदर जा भी नहीं सकता। और ये तो आप ये जरूर ट्राई करना। जब हम लोग दूध गर्म करेंगे तो पतीले में पहले से ही थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसके बाद उसमें दूध डालिए, तो क्या होता है ना, दूध इसमें चिपकेगा नहीं, हमारे पतीले में नीचे चिपक जाता है। अगर पानी डालकर आप दूध डालेंगे तो हमारा दूध नीचे चिपकेगा नहीं और जलेगा नहीं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना। तो फिर चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।